السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. एक सवाल है कि ये मीटिंग में पासकोड क्यों आता है? ये जूम वालों की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज हुई है, उन्होंने सेटिंग चेंज की है, तो अब वो नेसेसरी तौर पे जो है या तो हमें पासकोड देना पड़ेगा या फिर उसमें वेटिंग रूम इनेबल हो जाता है, जो फिर बार बार हमें हर किसी को इनेबल करना पड़ता है. इंशाल्लाह एक आध टॉपिक के बाद हम ग्रामर 101 भी शुरू करेंगे, क्योंकि ताकि जो हमने पुराने टॉपिक्स कवर किए हैं उनकी इन चैप्टर्स में एक्सरसाइज हो जाए. तौकीर फातिमा आपका वालेकुम अस्सलाम. तौकीर फातिमा आपका माइक यहाँ पे, तो दो तौकीर फातिमा हैं. आप कौन से वाले हैं? आपका माइक खोल दें अगर आप चाहें तो. जी मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. जी मैंने माइक खोल दिया. ओके जी पढ़ूं मैं उसको? जी अद्दरसुल खामिस शुरू से पढ़ लीजिएगा. जी अद्दरसुल खामिस सईद आ किताबु मुहम्मद हादा या यासिर. ये हरूफ अल इस्तिहफाम है, आ से स्टार्ट हुआ है, इसलिए आ किताबु. ये क्या ये किताब मोहम्मद की है? ये ए यासिर. इसका इसका तर्जुमा क्या ये किताब मोहम्मद क्या क्या ये क्या मोहम्मद की किताब है? ये ए यासिर. ठीक है सही. तो इसकी आ का जवाब सिर्फ ला में देंगे तो ला हादा किताबु हामिदिन. नहीं ये किताब हामिद की है. नहीं ये हामिद की किताब है. जी बीच में ठीक है जी. सईद आईना किताबु मुहम्मदिन. क्या क्या ये किताब मोहम्मद की है? यासिर. नहीं आईना का, आईना का मतलब क्या होता है? आईना का मतलब कहाँ कहाँ है? जी तो आईना किताब मुहम्मदिन मोहम्मद की किताब कहाँ है? सही. यासिर हुआ अलल मक्तबी होना का. वो डेस्क के ऊपर है वहाँ पर. सईद सईद आईना दफ्तरु अम्मारिन कहाँ है नोटबुक अम्मार की? यासिर हुआ अलल मक्तबिल मुदर्रिसी. हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी. सही. वो मक्तब के यानी उसके डेस्क के ऊपर है मुदर्रिस के टीचर के. ठीक है. सईदुन कलमु मन हादा या अली यू. कलम किसका है? ये ए अली. सही. अलीयुन हादा कलमुल मुदर्रिसी. ये कलम मुदर्रिस का है, टीचर का है. नहीं वापस तर्जुमा करें. ये कलम मुदर्रिस का है. नहीं इसका जो ग्रामेटिकल तर्जुमा होगा वो होगा ये मुदर्रिस का कलम है. अच्छा ये मुदर्रिस का. देखिए आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि क्या लिखा हुआ है हाजा ये हो जाएगा मुब्तदा और कलमुल मुदर्रिसी हो जाएगी उसकी खबर. और कलमुल मुदर्रिस जो है मुजाफ मुजाफ इलैही है, तो इसका तर्जुमा हो जाएगा ये मुदर्रिस का कलम है. जी सही ये मुदर्रिस का कलम है. सईदुन आईना हकीबतुल मुदर्रिसी. कहाँ है मुदर्रिस का हैंडबैग? मुदर्रिस का बैग ये जो पहना हुआ है बैग. ठीक है. अली अली यू हिया तहतल मक्तबी. वो डेस्क के नीचे है. बारकुल्लाह फिक. तहता का मतलब होता है नीचे. तहतल मक्तबी डेस्क के नीचे. डेस्क के नीचे सही. अजीब अनिल असअलतिल आतिया. जवाब दें सवालों में से आने वाले. सही. आईना किताबु मुहम्मदिन. कहाँ है मोहम्मद की किताब? हुआ अलल मक्तबी हुना का. वो वहाँ डेस्क पर है. ठीक है. आईना किताबु अम्मारिन. अम्मार की किताब कहाँ है? हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी. वो टीचर की डेस्क पर है. सही. आईना हकीबतुल मुदर्रिसी.
मुदर्रिस का बैग कहाँ है? वो डेस्क के नीचे है, हिया तहतल मकतबी। सही। आप एक सेकेंड, ये आपने जो सवाल पूछा है कि किताबू होगा या किताबी, तो आप कहाँ पे पूछ रहे हैं किताबू या किताबी? अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हैं अईना किताबू, तो यहाँ पे जम्मा के साथ होगा, किताबू मोहम्मदिन। सब में कसरा पढ़ना है, सब में कसरा नहीं पढ़ना, जहाँ पे मुजाफ इलेही बन रहा होगा वहाँ पे आखिर में कसरा पढ़ेंगे, अगर वर्ड ऐसा होगा जो कि हालत जर में कसरा के साथ आता है। ठीक है जी, जज़ाकल्ला खैर। आपका माइक बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप में से यहाँ से रीड करना है किसी को, ये माइक ले रहे। हिया फिल मुदर्रिसी, हिया एक सेकेंड है, हिया फिल मुदर्रिसी थ्री का आंसर है। अइना हकीबतुल मुदर्रिसी, हिया तहतल मकतबी, इन्होंने कहा था हिया तहतल मकतबी। आप कह सकते हैं हिया फिल मदरसाती, मदरसाती कहें, फिल मुदर्रिसी नहीं कह सकते। बताएं कि आप किन लोगों को चूज करते हैं जिन्होंने हैंड रेज किया होता है? मुझे नहीं पता मैं किस बेसिस पे चूज करता हूँ, बस रैंडमली आज उन्होंने पहले कहा हुआ था तो मैंने उनको कर दिया था। जी जी आगे से। अज़िफ़ुल कलिमतु, अज़िफ़ुल कलिमतुल उला, अज़िफ़िल, अज़िफ़िल कलिमतुल उला इला सानिया, अज़िफ़ कलिमतुल उला इला सानियती। अज़िफ़ का मतलब होता है जो मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह का ताल्लुक है इज़ाफ़त का, तो अज़िफ़ का मतलब होता है इज़ाफ़त करें आप। अल कलिमतुल उला, किसकी? पहला जो कलिमा का माना क्या होता है? वर्ड। ठीक है, मीनिंगफुल वर्ड जो होता है, पहले वर्ड की इजाफत करें इला सानिया, दूसरे वर्ड की तरफ, यानी पहले वर्ड को आप बनाएं मुजाफ और दूसरे को बनाएं मुजाफ इलाई। जैसे कि एग्जांपल में दी हुई है किताबुन और मोहम्मदुन, ये दो वर्ड्स हैं किताबुन मोहम्मदुन, पहले वर्ड की इजाफत करनी है दूसरे की तरफ, यानी उसको मुजाफ बना दिया, तो बना दिया किताबु मोहम्मदिन, किताबु मोहम्मदिन। मुजाफ का रूल क्या था कि वो कैसा होता है? खफीफ होता है, लाइट होता है, उसमें ना अल आता है ना तनवीन आती है, तो वो मुजाफ हो गया। और मुजाफ इलैह का रूल क्या होता है? हालत जर में होता है, हालत जर में होता है। तो उसको अब आपने वर्ड्स को, अब इन वर्ड्स को रिपीट नहीं करिएगा, सिर्फ इनका मुजाफ मुजाफ इलैह करके बताइएगा। कलमु हामिदिन, कलमु हामिदिन सही। बैतु अब्बासिन, गुरफतु अलीन सही। दफ्तरु सईदिन, मिंदीलु यासिरिन, खमीसु अम्मारिन, सरीरु खालिदिन सही। मिफ्ताहुल बैती, दुकानु ताजिरी, बैतुल मुनहदस, बैतुल मुहन्नदिस, मुहन्दिसी, बैतुल मुहन्दिसी। मुहन्दिस कहते हैं किसको? इंजीनियर को, इंजीनियर को। बैतुल मुहंदिस, इंजीनियर का घर। उम्मीद है कि बाकी जो कलिमात वर्ड्स गुजरे उन सबका मीनिंग क्लियर होगा। इस्मुल वलदी सही। किताबुल्लाही, बिन्तु तबीबी, मिफ्ताहु सय्यारती सही। मिफ्ताह कहते हैं चाबी को और सय्यारा कहते हैं गाड़ी को। ठीक है जी। जी आगे रीड करें। इकरा, आप उनको दे दें। आप इकरा व किताब, इकरा इकरा व कतब, वक्तुब वक्तुब, मा जब्ती व अवाखिर अल कलमाती, इकरा वक्तुब मा जब्ती अवाखिर अल कलिमाती। इसका माना क्या होता है? इकरा आप पढ़ें, वक्तुब और आप लिखें, मा का मतलब होता है साथ, जब्त का माना होता है जैसे जाब्ता और कानून, रूल कवायद या कायदा, अवाखिर एंड आखिरी, और कलिमात वर्ड। आप पढ़ें और लिखें कलमे के आखिर के रूल्स के साथ,
यानी वर्ड के आखिर में क्या आता है, इस्म के आखिर में आता है उसका एराब, तो एराब का जो रूल है उसके हिसाब से पढ़ना है। यानी अब आप पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, फर्स्ट फ्रेज क्या है, थोड़ा सा आप माइक करीब कर लें, आवाज आपकी नहीं आ रही। बाबुल मदरसा, बाबुल मदरसा, बाबुल मदरसा ती, ती। तो आपने बाबू पढ़ा यानी तनवीन नहीं पढ़ी क्योंकि ये मुजाफ है जी। और अल मदरसी ती को मजरूर पढ़ा क्योंकि ये मुजाफ इलैही है, तो यानी आपने इस चीज का ख्याल रखा। अगर आप इसको पढ़ देते बाबुन अल मदरसा तू, तो फिर इसका मतलब था कि आपने आखिर के रूल का ख्याल नहीं रखा है। इसको मुजाफ मुजाफ इलैही बनाना है तो किस तरह आना चाहिए वो आपने ख्याल रखा। देखें सबके मीनिंग तो साथ नहीं पढ़ेंगे हम, जो वर्ड्स गुजरते रहेंगे उनके हम बार बार नहीं पढ़ेंगे। बीच में अगर आपको कोई वर्ड क्लियर ना हो तो आप यहाँ पे पूछ लेंगे तो मैं उसका मीनिंग रिपीट कर दूंगा, ठीक है जी। ठीक। बाबुल मदरसती, मदरसे का दरवाजा। हमारुल रजले, हिमारुल रजुली, रजुल कहते हैं आदमी को, आदमी को, और हिमार कहते हैं गधे को, गधे को, तो आदमी का गधा। मुदीर का मतलब होता है प्रिंसिपल। बैतु हामिदिन, बैतु हामिदिन, सैयारतुल, सैयारतुल मुदीर, मुदीरिन, सैयारतुल मुदीरी, मुदीरिन, मंदीरु अम्मारिन, मंदीलु अम्मारिन, अम्मारिन, इस्मुल तालिबी, इस्मुल तालिबी, बैतुल्लाही, बैतुल्लाही, फी किताबिल्लाही, फी किताबिल्लाही, मिन बैतिल मदरसा मुदर्रिसी, मिन बैतिल मुदर्रिसी, अला कतबिल मुदीरी, अला, अला मक्तबिल मुदर मुदीरी, मुदीरी, अला मक्तबिल मुदीरी, सही। इसमें कोई चीज ऐसी है जिसका मीनिंग क्लियर ना हो जी? इन सब में पहला लफ्ज मुजाफ था, यहाँ तक बैतुल्लाही तक पहला वर्ड मुजाफ था, उसके बाद हरफ जर आ रहा है तो उसके बाद मजरूर, ये फिर मुजाफ है, मिन हरफ जर, बैत मुजाफ, और एंड सो ऑन। इकरा वक्तुब, आप पढ़ें और आप लिखें, मा ज़ब्त अवाखिरिल कलिमात, कलमे के आखिर के रूल्स के साथ, ठीक है जी। इसमें इजाफत का तो जिक्र नहीं, आपने इजाफत नहीं करनी, उन्होंने जिस तरह दिया हुआ है आपको पहचानना है। देखें कैसे पहचाना कि ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैही है, कैसे पहचाना? देखें अगर हमारे पास सिर्फ ये दो वर्ड्स लिखे हों, बाबुन या बाब और अल मदरसा, ठीक है, अब हम इन दोनों वर्ड्स का आपस में कोई ना कोई तो ताल्लुक बनाना पड़ेगा ना, तो दो वर्ड्स का आपस में किस तरह का ताल्लुक होगा? एक हो सकता है कि मुब्तदा और खबर हो, मुब्तदा खबर में पहले कौन आता है? मुब्तदा, क्योंकि उससे इब्तिदा हो रही होती है, और मुब्तदा वुसअत के एतबार से कैसा होता है? आमतौर पे मारफा होता है, और खबर नकरा होती है। यहाँ पे बाब पहले आ रहा है और अल मदरसा बाद में आ रहा है, तो अगर ये मुब्तदा होता तो इसको मारफा होना चाहिए था, वो नहीं है, और ये खबर होती तो इसको नकरा होना चाहिए था, ये नहीं, यानी ये दोनों आपस से मुब्तदा खबर नहीं है। एक और ताल्लुक हमने पढ़ा था सिफत मौसूफ का, सिफत मौसूफ का क्या रूल होता है? सिफत ताबे होती है मौसूफ के, यानी उसको फॉलो कर रही होती है, किन चीजों में? लाजमी तौर पर उसके एराब में और उसकी वसअत में। अब एराब तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, एराब तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे क्या चीज लिखी हुई है उसकी वुसअत की हमें इंडिकेशन है, ठीक है। अल मदरसा मारफा लग रहा है और बाब जो है नकरा लग रहा है, तो ये वुसअत, ये सिफत मौसूफ बन नहीं सकते। दूसरा एक और मसला क्या है, सिफत मौसूफ क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जो सेकंड वर्ड है उसमें कोई सिफती माना नहीं है। अल मदरसा किसी ऑब्जेक्ट का नाम है, किसी तरह की डिस्क्रिप्शन नहीं है, बड़ा, छोटा, खूबसूरत, साफ, ठीक है, तो इस तरह से सिफत मौसूफ भी नहीं है। तीसरा एक ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है कि ये मुजाफ मुजाफ इलैही हो, पहले वर्ड को देखते हैं तो वो इसको खफीफ पढ़ना मुमकिन है क्योंकि अल नहीं लगा हुआ और तनवीन अभी लिखा हुआ तो नहीं है, तो हम इसको मुजाफ बना सकते हैं और दूसरे वर्ड को मुजाफले बना सकते हैं, तो हमने इस तरह पहचाना कि हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन किसी का माइक खोला जी, आपका माइक खुला है अब्दुल्ला चौधरी साहब।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ نے آگے سے پڑھنا ہے؟ جی جی اقرا سے. جی جی اقرا. اين بيت المدر اين بيت المدرس مدرس هو بعيد. صحيح. اين بيت المدرس اين بيت المدرس جو استاد ہے اس کا گھر کہاں ہے؟ هو بعيد وہ دور ہے. صحيح. القران كتاب الله. القران کتاب اللہ کی کتاب ہے. تھوڑا سا وقفہ دیں تھوڑا سا وقفہ دیں. القران كتاب الله کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ کی قرآن اللہ کی کتاب ہے. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. القرآن و کتاب اللہ ہی یہ پورا اگر ایک جملہ ہے تو اس کے اجزاء آپ بتا سکتے ہیں کون سے ہیں؟ جو دوسرا اس کا مضافل ہے نا قرآن جو ہے. اگر ہم شروع سے کریں تو القرآن یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اسم ہے. اسم ہے اور ٹھیک ہے اور دوسرا کتاب جو ہے اور دوسرا پہلے اسم تو ہے. اسم اگر جب اسم سے جملہ شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ معرفہ ہے مبتدا. مبتدا ہاں جی مبتدا. اور یہ اگر خبر آ گئی مبتدا خبر آ گئی. جی 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 القرآن مبتدا ہو جائے گا تو اس کی اعرابی حالت کون سی ہوگی؟ اس کی ابھی حالت پہلے میں تنوین ہے. اس میں تو چونکہ الگ کی وجہ سے تنوین کی بات نہیں کر رہا. میں پوچھ رہا ہوں اگر القرآن مبتدا ہے تو اس کی اعرابی حالت کون سی ہوگی؟ اس کی مضموم ہوگی. مضموم اعرابی حالت نہیں ہے. مضموم حرکت کا نام ہے. اعرابی حالت ہوتی ہے رفع نصب اور جر. ہاں جی یہ دوسرا ہوگی نصب. یہ ہو جائے گا رفع. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن جب ہاں ہاں رفع جی جی اور کتاب اللہ ہی ہو جائے گی اس کی خبر. کتاب اللہ ہی کون سی حالت میں ہوگا؟ خبر ہونے کی رفع میں. جی خبر جو ہے وہ بھی رفع میں ہوتی ہے. کتاب اللہ بھی رفع میں ہو جائے گا. کیوں کیا ہے کہ کتاب اللہ ہی آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں تو مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ جر میں ہوتا ہے. تو وہ اپنے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں رہے گا. اللہ ہی اعراب جو ہے وہ دکھ جائے گا کتاب پہ. خبر ہونے کا اعراب کتاب پہ دکھ جائے گا مضاف پہ. جی آگے چلیں. باقی سینٹنسز میں اتنا ڈیٹیل نہیں کروں گا لیکن آپ کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنا آنا چاہیے کہ کہاں پہ مبتدا آ رہا ہے کہاں اس کی خبر آ رہی ہے اور اس حساب سے اس کا اعراب کیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. الکعبۃ بیت اللہ. الکعبۃ تو الکعبۃ بیت اللہ. کعبہ اللہ کا گھر ہے. صحیح. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحیح. خرج المدرس من غرفۃ المدیر. استاد خارج نکل گیا مدیر کے کمرے سے. صحیح. حاضا بیت حامد. بیت الحامد. ایک بار واپس سوچیں. جی واپس سوچیں. جی. کیا خرج یہ والا خرج المدرس. حاضا کا واپس سوچیں. حاضا بیت حامد. صحیح. حاضا بیت حامد. حامد. وذالک بیت الخالد. خالد. وذالک بیت خالد. وہذا حامد وذالک بیت خالد. صحیح. ترجمہ یہ گھر حامد کا ہے وہ گھر خالد کا ہے. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گھر حامد کا ہے اور وہ گھر خالد کا ہے. یہ بات کہنے کا عربی میں طریقہ اور ہوتا ہے. اس کو ہم کہیں گے کہ یہ حامد کا گھر ہے اور وہ خالد کا گھر ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق جو ہے آگے چیپٹر میں آئے گا کہ یہ گھر حامد کا ہے الگ بات ہوتی ہے اور یہ حامد کا گھر ہے الگ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جی نمبر سات. سابع. اینا عمار ہوا ہے ابنو. جی جی ابن ہاں سوری ابن عمار طالب. ابن عمار
अमारुन तालिमो, इब्न अमारे आएगा जी, अमार इब्न अमार तालिबन, इब्न अमार का बेटा तालिब इल्म है। सही। वह इब्न यासिर ताजरुन, और यासिर का बेटा ताजर है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे वबनु यासिर, वबनु वबनु यासिर, यासिर ताजरुन, ताजरुन। ठीक है जी। बैत जी, इसका दूसरा, और यहाँ यासिर का बेटा ताजर है। ताजर है, अच्छा एक मिनट वेट करिएगा प्लीज। इन्होंने चौथे का पूछा था मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, इसमें मुहम्मदुन खबर हो जाएगी, मुब्तदा हो जाएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कलिमात हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला उन पर दुरूद व सलाम हो, और फिर रसूलुल्लाह उनकी उसकी खबर हो जाएगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है जी। सेवेंथ वाला हो गया इब्न अम्मारिन तालिबुन, अम्मार का बेटा तालिब स्टूडेंट है, वबनु यासिरिन ताजिरुन, और यासिर का बेटा ताजिर है, यानी के उर्दू में भी ताजिर होता है, ट्रेडर है, मर्चेंट है जी। बैतुल मदर्रिस बईदुन, उस्ताद का घर दूर है, वह बैतु ताजिर करीबुन, और ताजिर का घर करीब है। सही। बैतुल मदर्रिस बईदुन व बैतु ताजिर करीबुन। नंबर सेवन था इब्नु अम्मारिन, अम्मारिन पे कसरा इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये मुजाफ इलैही है, अम्मार का बेटा। ठीक है जी, एक सेकंड वेट करिएगा। सेवन पे हरकत कैसे समझाएंगे, कौन सी लगाएंगे? देखें हरकतें उसी तरह चल रही हैं, इब्नु अम्मारिन, अम्मार का बेटा मुब्तदा हो गया, तालिबुन उसकी खबर हो गई, वबनु यासिरिन मुब्तदा हो गया, ताजिरुन उसकी खबर हो गई। ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी से हमें आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा कि कैसे जो आप पूछ रही हैं, तो ये प्रैक्टिस कर करके पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सी हरकत लगानी है। ये जो रीड कर रहे हैं ये भी आप ही के क्लास फेलो हैं, इन प्रैक्टिस कर करके पता चल जाता है। ठीक है जी। आठ पढ़ेंगे, नौ जी, जी आगे पढ़ें। नौ से हाजा मिफ्ताह सियारत, हाजा मिफ्ताह सियारत, ऐना मिफ्ताह बैत, ये गाड़ी की चाबी है और घर की चाबी कहाँ है, आईना कहाँ है, हाजा ये मिफ्ताह चाबी सियारत गाड़ी, यानी ये गाड़ी की चाबी है। जी जी, आप जब एक बार तर्जुमा कर दें फिर आप थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है। अच्छा, मिफ्ताह सियारती, ये गाड़ी की चाबी है, ऐना मिफ्ताह बैती, घर की चाबी, घर की चाबी कहाँ है, आईना कहाँ है, मिफ्ताह चाबी और बैत घर। आप बस एक बार पढ़ के एक बार तर्जुमा किया करें फिर वेट किया करें, आप उसको बार बार रिपीट नहीं करेगा। ठीक है जी। मन अंता या वलद, कौन है आप बेटे लड़के, आना इब्न अब्बास, मैं अब्बास का बेटा हूँ। अच्छा, मन अंता या वलदु, मन अंता या वलदु, ए लड़के, या वलदु ए लड़के, मन अंता आप कौन हो, अना इब्नु अब्बासिन, अना हो जाएगा मैं, इब्नु अब्बासिन अब्बास का बेटा, तो अना इब्नु अब्बासिन या अना इब्नु अब्बासिन, मैं अब्बास का बेटा हूँ। अगर आप ये जो आपने कमेंट दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें क्या समझ नहीं आ रहा है। ये सारी पुरानी चीजें ही चल रही है, इसमें कोई नई चीज नहीं आई है। हाजा का मतलब होता है ये इशारा है किसी चीज की तरफ, जिसको इंग्लिश में दिस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आप थोड़ा सा वेट करिएगा, यहाँ पीछे से पढ़ना चाह रही है, कोई पीछे से पढ़ना चाह रही है? नो जी, पढ़ लें प्लीज जल्दी से, नमाज का टाइम हो रहा है। हम अनबनु होगा या अना इब्नु, अनबनु पढ़ा जाएगा, अनबनु पढ़ा जाएगा, अना इब्नु नहीं पढ़ा जाएगा, बगैर हरकत के पढ़ना मुश्किल हो रहा है बस जी। मुश्किल होता है शुरू में, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं आगे चलते रहेंगे तो ये चीजें आसान लगती रहेंगी इंशाल्लाह। नंबर टेन था मन अंता या वलदु अनबनु अब्बासिन, आगे पढ़ने जी। देखिए मैं अपनी पेस पे तो नहीं चल रहा, ये क्लास के स्टूडेंट्स ही हैं, वो जिस पेस पे चल रहे हैं मैं उनके साथ साथ चल रहा हूँ, तो अगर आपको किसी चीज में क्लियर ना हो तो आप बता दें,
यहाँ पे जो मौजूद हैं उन सभी में कह रहा हूँ, अगर कोई चीज क्लियर ना हो रही हो तो आप बीच में रोक दिया करें। मन अंत या वलदू, आप कौन हो ए लड़के? अनबनु अब्बास, मैं अब्बास का बेटा हूँ। जी नंबर 11। वबनु मन हुआ अबनु खालिद, इब्नु सॉरी, या वैसे ये हमजा जो है इसको मिला के पढ़ते हैं तो ये फिर प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है? ये शुरू में पढ़ेंगे वबनु मन हुआ, हुवबनु खालिदिन, हुवबनु खालिदिन, ठीक है। अच्छा ऐसा करें, अभी बोल के वेट ही कर लें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इसको रिज्यूम करते हैं, नमाज की कॉल अजान हो रही है तो फिर इंशाल्लाह नंबर 11 से हम जो है नमाज के बाद शुरू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। या के बाद या का जो रूल है वो आगे आएगा इंशाल्लाह, उसको देखते हैं। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد وبيت التاجر قريب وبيت التاجر قريب جي نمبر 11 آپ نے پڑھ لیا تو پیچھے سے نمبر 12 پڑھ لیں پلیز नंबर 12 पढ़ लें प्लीज नंबर 12 पढ़ लें 11 से। अच्छा आईना मस्जिदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार वापस पढ़ें, आईना मस्जिदु रसूलुल्लाह रसूल रसूलुल्लाह, रसूल पे एराब क्या होगा? रसूलुल्लाह होगा, एराब क्या होगा? रफा नसब जर, रफा होगा, वजह अल्लाह के रसूल की मस्जिद। अब बताएं मुजाफ है, मुजाफ तो है लेकिन मुजाफ इलै भी है, अल्लाह के रसूल की मस्जिद, तो मस्जिद का मुजाफ है रसूल, तो फिर किस तरह पढ़ेंगे? अईना मस्जिदु, अईना मस्जिदु रसूलिल्लाही, रसूलिल्लाही, अईना मस्जिदु रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी रसूल अल्लाह के रसूल की मस्जिद कहाँ है? ये जी कहाँ है? हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, हुआ फिल मदीनतिल मुनव्वरती, सही। अच्छा बिन्तु हामिदिन, उसका तर्जुमा हुआ फिल मदीनतुल मुनव्वरती, वो मदीनतुल मुनव्वरा में है, मदीनतुल मुनव्वरा, सही, वो मदीना मुनव्वरा में है। मुनव्वरा कहते हैं किसको? रोशन को या पुरनूर। तो अल मदीना और अल मुनव्वरा में आपस में क्या ताल्लुक हो जाएगा? मौसूफ सिफत है, अल मदीना मौसूफ है और अल मुनव्वरा उसकी सिफत है, तो जो इराब मौसूफ का है फिल मदीनती तो वही सिफत का है अल मुनव्वरती। रसूल भी मजरूर है और अल्लाह भी मजरूर है। जी ये जो कलमा अल्लाह है ये मजरूर है क्योंकि ये रसूल का मुजाफ इलैही है, और रसूल जो कलमा है वो मजरूर है क्योंकि वो मस्जिद का मुजाफ इलैही है। जी ठीक है, तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद, ठीक है जी। नंबर 13 बिन्तु हामिदिन फिल मदरसती व
وبنت محمد في الجامعة دي. حامد کی بیٹی مدرسے میں ہے, مدرسے میں ہے, اور محمد کی بیٹی جامعہ میں ہے. جامعہ کس کو کہتے ہیں اور مدرسہ کس کو کہتے ہیں؟ مدرسہ, مدرسہ ویسے اسکول کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جامعہ یونیورسٹی کو. یعنی اس بک کے کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں, ویسے بھی عربی میں مدرسہ, اردو میں ہم مدرسہ ایک اس چیز کو ہی سمجھتے ہیں جہاں پہ دینی تربیت ہو رہی ہوتی ہے, لیکن عربی لینگویج میں مدرسے سے مراد اسکول ہوتی ہے اور جامعہ سے مراد یونیورسٹی. Next. جی. اسم المدرسی سعید واسم المہندسی خالد. مدرس کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. صحیح. عمد طالبی غنی. عمد بہن کو کہتا ہے, ہم کہتے ہیں چاچا کو. چاچا کو. طالب کے چچا غنی ہیں, امیر ہیں. امیر ہیں, جی. باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق. مسجد کا دروازہ کھلا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. بند ہے. مغلق کا معنی ہوتا ہے مفتوح کا اپوزٹ, یعنی کہ بند. مفتوح کھلا ہوا, مغلق بند. ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. مدینہ منورہ میں مؤنث کی صفت نہیں ہے. مدینہ کلمہ جو ہے وہ مؤنث ہے, اس وجہ سے منورہ اس کی صفت مؤنث ہے, اور ان دونوں میں مؤنث کی علامت جو ہے وہ آخر میں گولتا ہے. جی, نمبر 17. خالو حامد فقیر. خال, خال کہتے ہیں ماموں کو. مام. عم ہوتا ہے بھائی کا بھائی, ابو کے بھائی, اور خال ہوتے ہیں امی کے بھائی, ٹھیک ہے. اور انہی میں اگر مونس بنا دیں گے, جیسے عم سے عم متو بنا دیں گے, تو وہ ابو کی بہن ہو جائیں گی. ابو کی بہن کون ہوتی ہیں؟ پھوپھی. اور خالن پہ آگے مونس بنا دیں گے تو وہ امی کی بہن ہو جائیں گی, جو ہم اردو میں بھی خالہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. سیارتو, اچھا اس کا ترجمہ ہے, حامد کے ماموں غریب ہیں. حامد کے ماموں فقیر ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ ایک سیکنڈ ویٹ کریے گا. مغلوقن کس وجہ سے نہیں آیا, اس کی جو ریزننگ ہے وہ تھوڑی آگے آئے گی کبھی انشاءاللہ. فی الحال ہم صرف اس کو دیکھ لیں. مغلق کا معنی ہوتا ہے وہ جس کو بند کیا گیا ہو, ٹھیک ہے جی. تو پھر اس میں ہیا, دیکھیں یہ جو ہوا فی المدینۃ المنورہ, یہ ہوا ضمیر جو ہے اس سینٹینس میں یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نمبر 12 اگر دیکھیں سینٹینس, سینٹینس نمبر 12 جو تھا, اس میں ان کا سوال ہے کہ المدینۃ المنورہ جو ہے یہ تو مؤنث ہے, تو یہ ضمیر ہوا کی کیوں آئی ہے؟ یہ ہوا جو ضمیر ہے وہ مسجد کی طرف جا رہی ہے. تو مسجد مذکر یا مؤنث؟ مسجد مذکر ہے, اس وجہ سے مسجد کی ضمیر مذکر آئی ہے. وہ مسجد کہاں پہ ہے؟ وہ مدینہ میں ہے. اب مدینہ مؤنث ہے, اس میں مسجد کی تو کوئی غلطی نہیں ہے, مسجد اپنی جگہ, ٹھیک ہے جی. نمبر 18. سیارت عباس فشار. عباس کی گاڑی. اچھا یہ فشار عربی میں کہلاتے ہیں فشار, لیکن ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں روڈ پر ہے, ٹھیک ہے. عربی فشار کہیں گے, الشار نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے. فشار یعنی جس طرح ہم کہیں گے روڈ پر ہے, ٹھیک ہے. خالو حامدن تھا, خالو حامدن, اور یہاں پہ سیارت عباس فشار, عباس کی گاڑی روڈ پر ہے. ابن من انت؟ انا ابن المدرسی. اس کو اگر اس حمزہ کو پروناؤنس نہ کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ انا ابن المدرسی. مدرسی. تم کس کے بیٹے ہو؟ تم کس کے بیٹے ہو؟ میں مدرس کا, میں ٹیچر کا بیٹا ہوں. میں مدرس یعنی ٹیچر کا بیٹا ہوں, صحیح. این الکلبو. این الکلبو, ڈاگ کہاں ہے؟ صحیح. ہوا تحت سیارتی, وہ گاڑی کے نیچے ہے. وہ گاڑی کے نیچے, تحتہ ہم نے دیکھا تھا, تحتہ کا مطلب ہوتا ہے نیچے, سیارہ گاڑی, وہ گاڑی کے نیچے ہے. جی, نمبر 5 ہے اور نمبر 6, یہ دونوں میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. نمبر 5 میں لکھا ہوا ہے کون جملن مفیدتن بمل الفراغی فیما یلی. کون, کون معنی ہوتا ہے آپ بنائیں, ٹھیک ہے. کون آپ بنائیں, کیا بنائیں؟ جملن, جملن جملے بنائیں, سینٹینسز بنائیں. کیسے جملے ہو؟ مفیدتن. مفید کیا ہوتا ہے؟ فائدہ مند. ایسا جملہ ہو جو کہ فائدہ مند ہو. فائدہ مند کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ رینڈملی ورڈ نہیں لگا سکتے, سینٹینس کا سینس بننا چاہیے کوئی,
ठीक है, अगर मुजक्कर की बात हो रही हो तो आप ब्लैंक में मुजक्कर वर्ड लगाएंगे इस तरह, बी मल इल फरागी, फराग किसको कहा था, फराग कहते हैं ब्लैंक को, खाली जगह को, और मल माना होता है भरना। जुमले बनाए, फायदेमंद जुमले बनाए फराग ऑफ ब्लैंक्स को भर के, फीमा यली मुंदरजा जेल में, यानी मुंदरजा जेल जो आपके पास सेंटेंसेस हैं, 10 सेंटेंसेस है उसमें आपके पास कहीं पे ब्लैंक है, उस ब्लैंक को आपने भरना है। एक ये हो गया, और नंबर सिक्स देखें, नंबर सिक्स लिखा है सहीह, ये जो ये वाला पार्ट है आपकी बुक में शायद कुछ और नंबर हो, सहीह अत तरकीबात तालिया, सहीह का माना होता है आप सही करें, तस्ही करें, यानी कि इसमें कोई मिस्टेक है आप उस मिस्टेक को करेक्ट करें। तरकीब कहते हैं जो मुरक्कब, जिसको हमने उर्दू में कहा था मुरक्कब जारी मुरक्कब इजाफी, जो कलिमात के आपस से मुरक्कब है, अत्तालिया मुंदरजा जेल, तो मुंदरजा जेल जो मुरक्कबात हैं उनको सही करो, उनमें कोई गलती है। ठीक है जी, तो अब आप अपना टाइम ले लें, मेरे ख्याल में इसमें कितने 4-5 मिनट लगने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, कोशिश करके 5 मिनट में इसको कर लें, फिर हम क्विकली इसको देख लेते हैं। ठीक है जी, ये पट्टी मुझसे हट नहीं रही, माजरत के साथ, ये कुछ किसी वजह से ये एरर आ रहा है बार बार, ये मुझसे हट नहीं रहा है, ये खुद ही जाता है फिर खुद ही आ जाता है। ठीक है, अभी हम रीडिंग का काम नहीं कर रहे, अभी मैंने आपको ये जो दो एक्सरसाइज हैं इनको करने का कहा है। तालिया का मतलब होता है मुंदरजा जेल, फॉलोइंग जो नीचे मजकूरा है, जिनका नीचे जिक्र हुआ हुआ है। इस्मुल वलदी का मतलब होता है लड़के का नाम, फीमा यली का मतलब भी वही होता है जो कि मुंदरजा ज़ेल है, ये दो चीज कहने के अलग अलग तरीके हैं। मुगलक का माना होता है बंद, क्लोज्ड, मफ्तूह का ऑपोजिट, मफ्तूह माना खुला हुआ और मुगलक माना बंद।
अस्सलाम वालेकुम जी, रीड करेंगे आप प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बाबुन बाबुल बैती मुगलकुन। बाबुल बैती मुगलकुन सही। नंबर टू। अयना मिफ्ताहु सय्यारति। अयना मिफ्ताहु सय्यारति। मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि। मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि। बैतु तबीबी बाईदुन। बैतु तबीबी बाईदुन। बैतु तबीबी बाईदुन, तबीब का घर दूर है। अल कुरआनु किताबुल्लाहि। अल कुरआनु किताबुल्लाहि, कुरान अल्लाह की किताब है। खदीजतु बिन्तु हामिदिन। खदीजतु बिन्तु हामिदिन, खदीजा हामिद की बेटी हैं। अयना बिन्तुल मुदर्रिसी। अना बिन्तुल मुदर्रिसी। अना बिन्तुल मुदर्रिसी, मैं टीचर की बेटी हूँ। कलमु तालिबी मकसूरुन। कलमु तालिबी मकसूरुन, स्टूडेंट का पेन टूटा हुआ है। बाबुल बैती मफ्तूहुन। बाबुल बैती मफ्तूहुन, घर का दरवाजा खुला है। खरजुल मुदर्रिसु मिन बैतुल मुदीर। खरजल मुदर्रिसु मिन बैतुल मुदीरी सही। बारकल्लाहु फीकुम। खदीजतु खालतु हामिदिन जी, ये भी हो सकता है। खदीजतु खालतु हामिदिन, खदीजा हामिद की खाला है, बिल्कुल सही हो सकता है। और भी जो ऐसे कलिमात हो बिल्कुल इस्तेमाल हो सकते हैं। अयना अंत सय्यारती नहीं हो सकता। अयना अंत सय्यारती नहीं हो सकेगा, सय्यारा का कुछ होना पड़ेगा। तो बाबू सय्यारती हो सकता है, मिफ्ताहु सय्यारती हो सकता है, गाड़ी की कोई चीज़ हो, गाड़ी का कुछ कहाँ पे है, गाड़ी का मालिक हो सकता है। अयना मालिक सय्यारती, गाड़ी का मालिक कहाँ है। ठीक है जी, आगे सही तरकीबात तालिया। नंबर टेन का मीनिंग, सॉरी नंबर टेन का मीनिंग है खरज अल मुदर्रिसु मिन बैतिल मुदीरी, मुदर्रिस निकला प्रिंसिपल के घर से। ठीक है, अन अब्दुल मुदर्रिसी, मैं मुदर्रिस का बेटा हूँ जी। सही तरकीबात तालिया। अल खलमु तालिबी, खलमु तालिबी, इसको आप सिर्फ सही तरह पढ़िएगा, कि क्या सही क्या हो जाएगा। खलमु तालिबी, कलमु तालिबी, अल हट जाएगा क्योंकि मुज़ाफ़ पे आमतौर पे अल नहीं आता, और बाकी सही है, कलमु तालिबी। नंबर टू। बाबुस सय्यारती मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होगा। ठीक है जी। बिन्तु हामिदिन, बिन्तु हामिदिन मुज़ाफ़ इलैह मजरूर सही। रसूलुल्लाहि मुज़ाफ़ खफीफ बग़ैर अल। इस्मुल वलदी मुज़ाफ़ इलैह मजरूर। इब्नुल मुदर्रिसी इब्न मुज़ाफ खफीफ बग़ैर तनवीन सही। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है जी, अगर आज के हवाले से कोई बात क्लियर ना हो, अभी तक हम टेक्निकली ज्यादातर चीजें पुराने वाले रूल्स ही चल रहे हैं, सिर्फ वोकैबुलरी थोड़ी सी नहीं आ रही है। अब जो रसूलुल्लाही जो है उसमें उसमें क्या करेक्शन है, रसूलुल्लाही अल हट जाएगा। अच्छा, अब देखें, हर चीज का हम बार बार ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। अब जैसे अल कुरान किताबुल्लाही, यही सेंटेंस पीछे गुजरा था हमारे पास, अल कुरान किताबुल्लाही, यहाँ पे इसका तर्जुमा किया था। ठीक है, अब अगर एक एक चीज जो बार बार रिपीट हो रही होगी उसका तर्जुमा करते रहेंगे तो फिर हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो कम अज कम रीड कर रहे हैं उसको आप कुछ बीच में ज्वाइन करते हैं या बाद में ज्वाइन करते हैं, तो दूसरों का यह हक है कि आपने अगर क्लास का पहला हिस्सा मिस किया है तो आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग में सुने फिर। ठीक है, हम बार बार वही चीजें जो आज दिन हम कर चुके हैं उनको बार बार रिपीट नहीं कर सकेंगे, और आगे जाके तो तर्जुमा हम और भी कम करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इस क्लास से तर्जुमा सीखना नहीं है, हमारा मकसद अरबी को समझना है अरबी में। तो जहां पे कोई सेंटेंस या कोई फ्रेज ऐसा हो जो कि आपको बीच में क्लियर ना हो रहा हो तो फिर उसका तर्जुमा तो करें, लेकिन अगर पांचवा चैप्टर पढ़ने तक भी अगर आपको हर सेंटेंस बिल्कुल ही क्लियर नहीं है तो फिर आप कोशिश करें कि थोड़ा सा टाइम निकाल के पहले चैप्टर से वापस रीडिंग शुरू करें, सिर्फ रीडिंग शुरू करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा।
सर आपने 19 में एक बात कही थी इब्नू को कैसे पढ़ेंगे, वो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में रिपीट कर दूंगा इंशाल्लाह। ये इसका रूल आएगा हमजतुल वसल का, जब वो आएगा तो इंशाल्लाह हम देख लेंगे। पेपर्स के हवाले से अभी परेशान ना हो, जब पेपर्स के बारे में परेशान होना होगा तो मैं आपको बता दूंगा मेरे सब्जेक्ट के बारे में कि मेरे सब्जेक्ट के पेपर के बारे में आपको कब परेशान होना है। अभी आप ये परेशान हो कि अगर अभी हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं और आपको 50% भी अगर बात समझ नहीं आ रही सेंटेंस की तो फिर थोड़ी सी परेशानी की बात होगी। अगर 50% तक समझ में आ रही है तो इंशाल्लाह कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। उस्ताद बिन तो हामिदिन होगा या बिन, मुझे इन दोनों में फर्क समझ नहीं आ रहा आपका जो सवाल है। उस्ताद बिन तो हामिदिन होगा। आई नल कल्बु, ये वाला जो लिखा हुआ है ये आईनल कल हुआ है, ठीक है जी। बाकी सवाल इंशाल्लाह फिर बाद में कर लेंगे, अभी आप कहीं पे नोट कर लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।